गुड आफ्टरनून क्लास. टुडे वी स्टार्टेड न्यू टॉपिक डिसइंफेक्टेंट, थर्ड यूनिट सेकंड टॉपिक. कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक इज टर्मिनोलॉजी. डिफरेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है डिसइंफेक्टेंट में. फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट. देन वी कम फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड फैक्टर इन इन्फेक्टिंग डिसइंफेक्शन. मतलब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइम का इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट क्या इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ स्पेसिफिक मटीरियल क्या इफेक्ट करता है, वो पढ़ेंगे. और लास्ट में अपन पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड डिसइंफेक्शन. मतलब कि अपन इवेल्युएट कुछ मेथड्स हैं जो अपन इवेल्युएट करते हैं कि अपन जो डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं वो कितना स्पेसिफिक वर्क कर रहा है, कितने नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को लीथली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. तो उसकी तीन या चार मेथड्स है वो डिस्कस करेंगे. नंबर वी स्टार्टेड टू टर्मिनोलॉजीज. नंबर वन इज सेप्सिस. सेप्सिस मींस बैक्टीरियल कंटेमिनेशन. जिस जगह पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन शॉर्ट टर्म बोलेंगे सेप्सिस. और ए सेप्सिस एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट कंटेमिनेशन. जहां पे कंटेमिनेशन नहीं हो उस स्पेसिफिक जगह को बोलेंगे एसेप्सिस. एंटीसेप्सिस केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव पैथोजेंस और लिविंग टिश्यूज. जहां पे अपन ने केमिकल के थ्रू वेजिटेटिव पैथोजेंस और लिविंग टिश्यूज को डिस्ट्रक्ट किया है उसको बोलेंगे एंटीसेप्सिस. देन सैनिटाइजेशन. ये वर्ड अभी आप सबसे ज्यादा सुन रहे होंगे इन बिटवीन COVID-19 पैंडेमिक कंडीशन. लोअरिंग माइक्रोबियल काउंट ऑन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स ऑफ सेफ लेवल. ये स्पेसिफिक टर्मिनेशन टर्मिनोलॉजी है सैनिटाइजेशन की. देन बैक्टीरियासाइडल, वायरसाइडल, फंगीसाइडल, स्पोरीसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक. फर्स्ट वन इज बैक्टीरियासाइडल. केमिकल एजेंट कैपेबल ऑफ किलिंग बैक्टीरिया. स्पेसिफिकली बैक्टीरियल साइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में छोटा सा डिफरेंस होता है किलिंग और स्टॉप का. अगर जब अपन किलिंग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो हो जाता है बैक्टीरियल साइडल. और अपन जब वायरोसाइडल की बात करते हैं वो केमिकल्स जो कि वायरस को किल करते हैं तो वो कहलाता है वायरोसाइडल. देन फंगीसाइडल, केमिकल एजेंट्स कैपेबल ऑफ किलिंग फंगी. स्पोरीसाइडल्स मीन्स जो स्पोर्ट्स को किल करते हैं वो केमिकल्स उसके अंदर आते हैं. बैक्टीरियोस्टैटिक, केमिकल एजेंट्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट नॉट नेसेसरी किल द बैक्टीरियल ग्रोथ. मतलब कि वो सिर्फ उस ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, जो स्टेजेस अपन ने पढ़ी थी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में, तो किसी एक स्टेज में आकर वो इनहिबिट करके उसको स्टॉप कर देता है, उसको नेक्स्ट स्टेज पे जाने नहीं देता, तो वो केमिकल एजेंट कहलाते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक. And now we come from introduction of disinfectant. Disinfection is the process of destruction or removal of microorganism and reducing them to level not harmful to health. Disinfectant एक method है, एक process है जो destruct करती है या remove करती है, inhibit करती है microorganism को by using still chemical agents. But वो chemical agent को अपन को उतनी limit तक use करना है जो कि specifically health में harmful ना हो. डिसइंफेक्शन हेल्थ स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल में कोई चेंजेस ना है. डिसइंफेक्शन जनरली किल्स द सेंसिटिव वेजिटेटिव सेल्स बट नॉट द हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स. ये इसका एक नोट है कि हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स को वो किल नहीं कर पाते डिसइंफेक्शन. हीट रेजिस्टेंट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है तब भी वो अपने आप को ईजिली ग्रो कर पाते हैं, वो एंडोस्पोर्स को डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट किल नहीं कर पाते. If the object is intimate, lifeless, such as working areas, dishes, benches, etc., the chemical agents is known as disinfectant. वो chemicals जिससे अपन disinfection या sanitizes करके उस microbial growth या उस specific area को microbial content free बना रहे हैं, उस method या उस chemical agent को अपन disinfectant कहते हैं और उस method को अपन कहते हैं sanitization. However, if the object is intimate, such as human body tissues, the chemical is known as antiseptic. Antiseptic आप सब जानते हैं क्या होता है. Disinfectants are usually bactericidals, but occasionally they may be bacteriostatic. Disinfectant का जो बहुत बड़ा percentage है
जितने भी उसमें केमिकल्स आते हैं उसमें 90% केमिकल्स बैक्टीरियोसाइडल एक्शन करते हैं, बट कुछ केमिकल्स एनवायरमेंटल चेंजेस उनका प्रोपोर्शन चेंजेस के कारण वो बैक्टीरियोस्टेटिक वे में भी वर्क करते हैं। अब एक स्पेसिफिक आइडियल डिसइंफेक्टेंट की क्या क्या बेसिक नीड या बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसके बेसिस पे अपन बोल सकें कि ये डिसइंफेक्टेंट अच्छा है। सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से ये मतलब है कि कम से कम क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ वायरसेस, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ फंगी को किल कर सके या बैक्टीरियोस्टेटिकली रोक सके। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। सेकेंड, टॉक्सिक लेवल नहीं होना चाहिए, उसको उतने परसेंटेज में यूज करें जितने में उन टॉक्सिक इफेक्ट ना दे। फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर अपन कम से कम परसेंटेज में भी डिसइंफेक्टेंट केमिकल्स को यूज करते हैं बट अगर वो बहुत लॉन्ग टाइम तक सरफेस पे रह जाता है तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। अगर वो फास्ट एक्टिंग होगा तो कम क्वांटिटी में कम समय में ज्यादा इफेक्ट देगा। ऑर्डर लेस होना चाहिए, स्पेसिफिकली उसमें कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। सरफेस कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए। सॉल्युबल और इमिसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उसमें। नॉन अफेक्टेड बाय फिजिकल फैक्टर्स, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए फिजिकली चेंजेस। स्टेबल ऑन स्टोरेज, किसी भी कंडीशन में अपन स्टोर करके रखें तो वो स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए एनवायरमेंटल और स्टोरेज कंडीशन की वजह से। Then we confirm classification of disinfectant. The chemical agents are classified as follow. Number one, acids and alkalis use hote hain. Halogens, heavy metals, phenol and its derivative, alcohols use hote hain. Aldehydes, quaternary ammonium compounds, dyes, detergents and soaps. Number one, acids and alkali. Generally strong acids and alkali kill the bacteria but weak organic acids inhibit their growth. जो strong acids और alkalis होते हैं वो specifically work करते हैं kill करने में bacteria को, और जो weak organic acids होते हैं वो सिर्फ inhibit करते हैं या उस stage को रोक देते हैं या फिर एक stage से दूसरे stage में जाने नहीं देते। Second is halogens. Chlorine, fluorine, bromine and iodine is the free state as well as they are compound strongly act as a germicidals. Germs के लिए अपन इन्हें use करते हैं। Then next category is heavy metals. The most widely used heavy metals are those of mercury, silver and copper. Heavy metals and their compounds act as antimicrobial by combining with the cellular protein. High concentration of salt of heavy metals like mercury, copper and silver coagulate cytoplasmic protein resulting in the kill the bacteria. Next category, phenol and its derivative. Phenol ka ek रूल याद रखिएगा, 1% फिनॉल का स्पेसिफिक इफेक्ट होता है बैक्टीरियल साइडल है, उसका परसेंटेज जैसे ही बढ़ता है तो उसका इफेक्ट दूसरा हो जाता है। फिनॉल इज द चीफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द कोल्टा। फिनॉल 1% हैज बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। मैनी डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल आर मोर इफेक्टिव एंड लेस कॉस्टली। मतलब ये जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उस कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 या 4 पैरामीटर्स को ये फुलफिल करता है, मतलब ये कॉस्टली भी नहीं है, इफेक्ट भी अच्छा है, फास्ट एक्टिंग है। मोर इफेक्टिव है, कम समय में ज्यादा इफेक्ट देता है। अल्कोहल्स आर फेयरली रैपिड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन अगेंस्ट वेजिटेटिव बैक्टीरिया when diluted to the concentration of 60% to 70% weight volume by volume with water. Ethanol 60% to 70% and isopropanol 50 to 60% are used as skin disinfectant, while methanol vapors has been used in fungicides. The higher alcohol are more germicidal than ethyl alcohol. अल्कोहल आर यूज एज प्रिजर्वेटिव इन सम वैक्सीन। अल्कोहल को बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है बट उनका कंसंट्रेशन और कैटेगरी बदलती जाती है तो उसका यूजेस बदलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पढ़ा, सबसे पहले इथेनॉल 60 to 70% अगर अपन यूज कर रहे हैं या फिर आइसोप्रोपोनॉल 50 to 60% यूज कर रहे हैं तो वो यूज हो रहा है स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए, और वहीं पर अगर अपन मिथेनॉल के वेपर्स यूज कर रहे हैं तो वो वर्क करेगा फंगिसाइडल्स के लिए।
The higher alcohol, propyl butyl amyl, etc., are more germicidal than ethyl alcohol. Next category is aldehydes. Iska sabse acha example formaldehyde. HCHO is main aldehyde used for disinfection. ये disinfection के लिए ही use होता है. इसको अगर अपन dilute form में solution form में use करते हैं तो इसको specifically sanitization और instrumentation को sanitize करने के लिए अपन इनको aldehydes को use करते हैं. Quaternary ammonia compounds are widely used for control of microorganisms on floor, wall, nursing homes and other public places. They are also used as skin antiseptic and sanitizing agents in dairy, eggs and fishing industries. Next is dyes. A number of dyes has been used to inhibit the bacterial growth, not kill, only inhibit. Basic dyes are more effective bactericides than acidic dyes. Acridines and triphenyl methane dyes are commonly used as antimicrobial agents. Last but not least, सबसे commonly जो अपन समझते हैं detergent and soap, जो अभी सबसे ज्यादा use हो रहा है as a sanitizing के लिए. They are widely used as surface active agent. ये सबसे important point है. जो अपन detergent या soap use कर रहे हैं वो surface active agent है. Wetting agent and emulsifier. They are classified into four main groups as anionic, cationic, non-anionic and atmospheric. The most important antibacterial agents are cationic surface active agents, example is thertimide, benzaldehyde, chloride, etc. Soap and sodium lauryl sulfate are anionic compound. Soap prepared from saturated fatty acids are more effective against gram-negative bacteria, while those prepared from unsaturated acids have greater action against gram-positive bacteria. Non-ionic detergents are not ionized. However, these substances do not possess significant antimicrobial activity. इनको कोई specific significance antimicrobial activity नहीं देखी गई है. Atmospheric compounds have the detergent property of anionic surfactant combined with disinfectant property of cationic surfactant. Example is Tego compounds. अपन डिस्कस कर रहे हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स. अल्टरेशन ऑफ मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, डैमेज ऑफ टू प्रोटीन, रैप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड, इंटरफेयर द मेटाबॉलिक पाथवे. इन पांच तरीके से मोड ऑफ एक्शन करता है स्पेसिफिक डिसइंफेक्टेंट. नंबर वन, अल्टरेशन ऑफ मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, डैमेज टू प्रोटीन, रैप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड, इंटरफेयर pair with metabolic pathway. अब कौन कौन से factors affect करते हैं disinfectant के लिए. Concentration of disinfectant, temperature, time of contact, pH of environment, surface tension, formulation of disinfectant, chemical structure of disinfectant, types and number of microorganisms present, interfering substances in the environment, potentiation, synergies, antagonism of disinfectant. सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट. सबसे पहले अपन सिर्फ डिस्कस करें, फिर उसके बाद मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा. कंसंट्रेशन मतलब अगर अपन स्पेसिफिक फिनॉल को यूज कर रहे हैं तो अपन उसका जितना परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उसका उतना इफेक्ट बढ़ता जाएगा. टेम्परेचर, बहुत सारे स्पेसिफिक डिसइंफेक्टेंट होते हैं, अगर उन्हें हाई टेम्परेचर में जाए तो वो ज्यादा लीथल एक्शन दे पाते. टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट का स्पेसिफिक ऐसा है कि अगर अपन टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट रख रहे हैं कम से कम टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट में ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट दे पाए. देन पीएच ऑफ एनवायरनमेंट, स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है. अगर एनवायरमेंटल कंडीशन का पीएच में चेंजेस आते हैं तो डिसइंफेक्शन की इफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव वे में चली जाती है. देन सर्फेस टेंशन, फॉर्मुलेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, आप कौन कौन से स्पेसिफिक केमिकल को ऐड कर एक डिसइंफेक्टेंट को फॉर्मुलेट किया है. केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिसइंफेक्टेंट, टाइप्स एंड नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, इंटरफेयरिंग सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट, पोटेंशियलाइजेशन, सीरीज एंड एंटागोनिज्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स. नंबर वन, वी डिस्कस द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट.
The lethal effect of bacterial population is increased by increasing the concentration of the disinfectant. जो मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको स्पेसिफिक लीथल इफेक्ट देखना है बैक्टीरियल पॉपुलेशन के लिए या फिर किल करना है तो आपको अपना कंसेंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट इंक्रीज करना पड़ेगा. हाउएवर द इफेक्टिवनेस इज जनरली रिलेटेड टू द कंसेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली नॉन लीनियर. देयर इज ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन ऑफ फिनॉल एट अबाउट 1%. बियॉन्ड दिस कंसेंट्रेशन द डिसइंफेक्टिंग इफेक्टिवनेस बिकम लेस. द डाइल्यूशन कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. एन इज इक्वल टू log T2 minus log T1 divided by log C2 minus log C1, where N is concentration exponent or dilution coefficient for disinfectant. T1 is the death time with disinfectant concentration. C1, T2, the death time with disinfectant concentration is C2. This is the formula of concentration of disinfectant. Then next is temperature. The lethal effect of bacterial population can be increased by increasing the temperature. The effect of temperature on bactericidal activity may be expressed quantitatively by mean of temperature coefficient. The temperature coefficient per degree rise in temperature is denoted by theta, whereas per 10 degree centigrade rise in temperature is expressed by theta 10 raised to the power 10 or Q power 10 value. Thus, T theta or 10 Q is equal to time required to kill at temperature degree centigrade divided by time required to kill at T plus 10 degree centigrade. The value of Q10 for phenol is 4, which means that over the 10 degree centigrade range used to determine the Q10, the activity will be increased by factor 4. Next factor is time of contact. Sufficient time of contact must be allowed for the disinfectant to exert its action. Next is pH of the environment. The change of pH during the disinfection process can affect the rate of growth of inoculum. A pH of 6 to 8 is optimum for the growth of many bacteria, and the rate of growth decline on either side of the range. The phenolic and acidic antimicrobial agents usually have greatest activity in acidic condition. Acridine dyes and corantine ammonium compounds are usually more active in alkaline than in acidic solution. Amphoteric antimicrobial example is Stego compound have optimum activities at widely differing pH value. Next factor is chemical structure of disinfectant. Chemical structure of compounds affect the disinfectant activity. Substitution of an alkali chain up to 6 carbon in length in para position to phenolic OH group increases activity, but greater than 6 carbon in length, water solubility and disinfectant activity. Generally, halogenation increases the antibacterial activity of phenol, but the nitration increases the antibacterial activity and systematic toxicity also. ये दोनों effect दिख रहे हैं इसमें. Antibacterial activity भी दिख रही है, पर specifically systematic toxicity भी दिख रही है. Type and number of microorganism present. The efficiency of disinfection greatly depend on the nature and the number of contaminating microorganism, and especially on the presence and absence of bacterial spores. It can be seen that most vegetative bacteria are rapidly killed by most chemical disinfectant. Bacterial spores are difficult to destroy, but some disinfectant, example aldehydes, are sporicidals. Next factor is interfering substance in the environment. For example, materials such as blood fumes, pus, milk, food residue or colloidal protein may reduce the effectiveness of disinfectant if present in a small amount. The presence of oil and fat markedly reduces the disinfecting ability of phenolic.
Last but not least, cynosure antagonism of disinfectant. Potentialization of disinfectant leads to enhance the antimicrobial activity. Synergetic effect are often shown by two antimicrobial agents, which is given an increased activity. Antagonism effect are often shown by two antimicrobial agents, which is given an decreased activity. The next part is evaluation of antimicrobial agent and disinfectant. Next class mein padhenge apan. Thank you. Thank you.